एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वेडनेसडे है और मैंने थोड़ी देर पहले ब्लॉग पब्लिश किया है, जस्ट बिकॉज हम लोग कल 4:30 बजे सोए थे। कल बोजू बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा था और वो कुछ कहना चाह रहा था, हमें समझ में नहीं आया। फिर हमने चेक किया, उसका टेम्परेचर लिया तो उसे फीवर था, उसे दवाई वगैरह दी, फिर उसे सुलाया है। मतलब 1-1.5 घंटे कल बोजू के लिए लगे, और बोजू को दवाई देना मतलब वो आराम से दवाई नहीं लेता है। सो, मेरा जो लंच है वो बन के तैयार, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी लंच में मैंने बनाया है रोटी, सब्ज़ी और दाल चावल, तो ये लंच में तैयार है। मुझे काफ़ी स्वेटिंग हो रही है आज। हाय बोनी, बोलती थी बालकनी में बैठी, बोलते यहाँ पे लाल चीटी है, चलो बेबी काट लेगी, समझ में आएगी। चेयर बैठना है, रुको चेयर बैठना है। तो मैं और बोजो वेट कर रहे हैं राजा का, और गर्मी काफ़ी हो रही है। मैंने लाइट नहीं जला के रखी है, पूरी सनलाइट है मेरे ऊपर। कोई थोड़ी सी बारिश भेज दो यहाँ पे, इसे बारिश एक दिखावे के उस पर होती है कि ऐसा दिखाता है बादल सॉरी ऐसा लगता है कि बारिश होगी, बट होती नहीं है। कभी कभी हो जाती है, और तब होती है रात में जब कोई मतलब नहीं निकलता है। आज राजा मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उनका खाना मुझे पैक करके देना पड़ेगा। उनके ऑफिस में अभी कोई लड़का नहीं है, वो परसों आएगा। वो परसों आएगा तो 2 दिन खाना पैक होके जाएगा। और ऑलरेडी 3 बज रहे हैं और राजा लंच लेने नहीं आए हैं, क्योंकि वो मैंने अभी कैमरा चेक किया था और वो वहाँ पे बैठे हैं, बिजी हैं अभी, वो अभी तक आए नहीं हैं। और मैंने इनवेडा की बीबी क्रीम लगाई है। मैंने क्यों लगाई है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लगाने के बाद। दिक्कत यह है कि अगर आप अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता है गर्मी में, घर पर रहते हुए। सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज़ कुछ मत लगाइए, क्योंकि अगर आप कुछ लगाते तो और गर्मी लगती है। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है वो क्रीम लगाने के बाद, और मैं मुंह धोने जा रही हूँ अब। मुझे अपर लिप्स पे पसीना आता है। और गाइस एक बात बताती हूँ आपको, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, बहुत सारी चीज़ें, हर तरह का आइस से लेके हर चीज़ यूज़ करके देख ली है, कॉम्पैक्ट, कितना थोप के, बेकिंग, बट जो अपर लिप्स का जो स्वेटिंग जिसको होती है, वो मेकअप करके जा रहा है तो उसे स्वेटिंग होगी ही होगी, तो उसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कोई सलूशन नहीं ढूंढ पाई हूँ। मुझे अपर लिप्स में स्वेटिंग होनी है, मतलब होनी है। सो ये वाली प्रॉब्लम है। और अभी हमें थोड़ा सा रात में आएंगे तो मैं थोड़े बीन बैग वगैरह उस रूम में रखने वाली हूँ, और उससे पहले मुझे शूट करना पड़ेगा आज, तो मैं आज यहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं यहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ वहाँ का, क्योंकि राजा फ्री नहीं है और मैं सामान कहाँ से उठा उठा के रख दूँ। तो वहाँ पे मुझे बीन बैग वगैरह रखने हैं, पहले बीन बैग धोने हैं, वो नीचे रखे हुए हैं, तो पहले मैं बीन बैग को वॉश करूँगी, उसके बाद उसे वहाँ पर रखूँगी। और कुछ टेबल पर्दे वगैरह सब लगाने हैं, तो हम लोग मिल के करेंगे वो, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। सो बोजो को सबकी स्पेशल डिमांड पे मैं डेली लेके आऊँगी। मैंने डिसाइड किया है कि बोजो अब व्लॉग में डेली आएगा, मतलब बोजो की एक क्लिप आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको बोजो बहुत पसंद है। बोजो तरे पापा, बस पापा 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 ओ ओ ओ ओ। अभी मुझे करेला भी काट के रखना है, क्योंकि मुझे प्याज वाला करेला बनाना है, और प्याज वाला करेला रात के लिए। तो पहले मैं उसे नमक में डाल के रखूँगी, ताकि जो उसका पूरी कड़वाहट है, पूरी तो नहीं जा पाती पर जो उसकी कड़वाहट है वो निकल जाए, तो क्योंकि करेला मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट राजा को पसंद है भरमा करेला और प्याज वाला करेला। प्याज वाला करेला फिर भी मैं खा लेती हूँ, सो उसे बनाना है मुझे। तक मैं आपको अच्छा मौसम दिखाती थी, अब मैं आपको धूप वाला मौसम दिखाती हूँ। यू कैन सी बहुत ज़्यादा धूप है। गुड मॉर्निंग अंधी, इसका फीवर तो उतर गया है हालांकि। तो हम लोगों ने लंच कर लिया था, और आपको मैं दिखाती हूँ बारिश। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है फाइनली, और मुझे लग रहा था कि इतनी धूप हो रही है, सो आई एम सो हैप्पी। फाइनली
और मैं जा रही थी शूट करने, फिर मैं रसोई का काम करने लगी क्योंकि लाइट चली गई है, इन्वर्टर से चल रही है लाइट। और जो मेरी शूटिंग की लाइट है वो एक लाइट 1000 वॉट की है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्वर्टर उसे किसी भी तरह से नहीं झेल सकता है, और अगर उसे झेला उसने तो फिर मेरे को आई थिंक अगर 4-5 घंटे या 8-9 घंटे 7-8 घंटे 5-6 घंटे लाइट नहीं आती है तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हम लोग को वाइट लाइट लेने जाना है आज, बाइक लेने जाना है आज, 2-3 काम करने जाना है आज। तो अभी जाएंगे, अभी वो ऑफिस चले गए, हालांकि मैंने रोक रही थी बारिश आने वाली है, बट उन्होंने बोला नहीं आने वाली है और आ गई। सो मैं काम करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने इनवेडा की क्रीम निकाल ली है और आप देख सकते हैं मेरे कितना अच्छा लग रहा है। बट मैं फिर से तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ माइक लेने और कुछ बैकग्राउंड और देखने, और लाइट जो येलो है वो मैं सोच रही हूँ कि जैसे कभी कुछ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ उसके लिए वो लाइट अच्छी है, बट मेकअप के लिए मुझे वाइट लाइट लानी पड़ेगी, तो मैं वाइट लाइट भी लेके आ रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो इससे अच्छा टाइम कोई नहीं होगा। आई थिंक ट्रैफिक भी कम मिलना चाहिए वहाँ पे। मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं माइक और थोड़ा बहुत सामान लेने। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आई डोंट नो, आज बहुत तेज़ बारिश आ रही है और मुझे जो स्वेटिंग की जो मुझे स्वेटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बट मेकअप मैंने फाउंडेशन लगाया है और कॉम्पैक्ट काजल, मैंने मस्कारा तक नहीं लगाया, आईब्रो फिल करी और लिपस्टिक, दैट्स इट। ना हाइलाइटर, ना ब्लश, ना कॉन्टोर, कुछ नहीं किया मैंने क्योंकि यहीं आसपास, क्योंकि बस मार्केट तक जाना है और बारिश भी हो रही है वैसे ही भीगना है तो हाँ। और मैंने ड्राई शैम्पू यूज़ किया है और यह है बैटिस्टा का ड्राई शैम्पू और ये आई थिंक इसकी MRP 650 रुपीज़ और ये मैंने नायका से मंगवाया था और ये मेरा लाइफ सेवर है रिसेंटली क्योंकि अभी बारिश हो रही है और बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ रहा है और मुझे अब शूट करने जाना है बार बार किसी भी टाइम, तो मैं बार बार शैम्पू नहीं कर सकती इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये सीरियसली बहुत अच्छा है। हाँ कि जो स्मेल है वो थोड़ी अनॉइंग है बट थोड़ी देर बाद वो अपने आप गायब हो जाती है। सामान रख रहे हैं जो जाने वाला, मैंने कैमरा टांगी है और ये लाइटें उठा रहे हैं। सो हम लोग माइक लेने आ गए हैं और आई थिंक इस वाली शॉप पे माइक नहीं है, वो हमें कोई दूसरी शॉप प्रेफर कर रहा है आई थिंक। तो मैं सोच रही हूँ जहाँ पे हम लोग लाइट लेके आए थे जहाँ से वहीं जाते हैं, क्योंकि उसके पास उस दिन माइक ज़रूर था पर उसके पास सिर्फ सिंगल एक पीस बचा था, इसलिए फिर मैंने उससे बोला था कि आप
आप देख लो अगर चार पाँच दिन में, चलो वहीं चल के एक बार देख ले। कहाँ? उस वाली शॉप पे भी। वो बोला कहीं नहीं मिलेगा, उसने नंबर दिया, बोला हम लोग सब लोग किसी को ऑर्डर करते हैं, अब हमको ही बोला हम तो हमको बता दे रहे सैम में अपना इसका शोरूम है कैनन का। कैनन का? हाँ वहीं ऑर्डर करते, बोलते हम जो भी ऑर्डर करते हैं दो दिन में हमको ला के देता है। अभी आप कॉल करके पूछ लो कितने बजे तक खुलेगा, और बोल रहा है कि गलती से लोकल मत ले लेना, लेना ओरिजिनल लेना कैनन का लेना, नहीं तो आप पछताओगे। कहीं से भी लो आप, मतलब कंपनी का ही ले, कंपनी का दो। इसका देख लेते हैं, इसे पूछे कितने बजे तक खुला रहेगा। इससे बात कर लो, वहाँ पे पास ही में तो है वो वाली दुकान भी, उससे ही पूछ लेते हैं पहले। इससे तो पूछ ले, वो तो खुली ही है, क्योंकि उसके पास उस दिन एक ही माइक अवेलेबल था, अगर उसके पास दो तीन चार होते तो दिखाता हूँ, दिखा देता और हम लोग ले लेते। उसका सिंगल एक ही माइक था और वो कुछ खास नहीं लग रहा था। बैड किस्मत, किस्मत इज़ सो बैड कि माइक नहीं मिला यहाँ पे कहीं पे भी। मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा माइक, और ईको के लिए मुझे सामान ही लगाना पड़ेगा वहाँ पे। फिर भी कितना सामान लगेगा कि वो भर जाए और ईको ना आए। और मैं हम लोग लाइट लेने गए तो उन्होंने बोला कि इस लाइट में वाइट लाइट नहीं आती है, क्योंकि ये हेलोजन है आई थिंक, इतने इतने से ट्यूब टाइप की ये जो है। और मुझे लगता है मैंने लाइट गलत खरीद ली है, मुझे CFL वाली वो खरीदनी थी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइट्स का पैसा है वो पूरा डूब गया है। तो देखते हैं कुछ हो सकता है नहीं हो सकता उसमें, फिर अदरवाइज मैं देखती हूँ कुछ और ऑर्डर करती हूँ। आई एम सो अपसेट नाउ, दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहा है। सो भुट्टा आ गई है, भुट्टा, ये भुट्टा खा रहे हैं। मैं भुट्टा खाने वाली हूँ, सो मैं इसे खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वो उसको दे, आरएन को दे, जो आरएन को दे, आरएन को दे, छोड़ कर और गेट से लेकर शुरू में पहले भी था कि एलईडी वाला भाई का लाइट तो दिखा दीजिए। सो फाइनली हमें लाइट्स का काम हो गया है, भी बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मैं आ गई थी, क्या थी तो मैं काम ही करा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे। और माइक का भी हो गया है काम, वो कह रहे हैं जो कि उसमें जो माइक में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रहता है कि वो ईको को रोक पाए। हाँ जैसे विंड है या फिर फैन चल रहा है या फिर AC चल रहा है तो उसके लिए रहता है कि वो साउंड को, उस साउंड को, विंडी साउंड को एलिमिनेट कर देता है। बट ईको के लिए उन्होंने बोला कि ईको के लिए या तो सामान रखना पड़ेगा या थर्माकॉल, तो बोले तो छोटा रूम करो थर्माकॉल लगाते, कि थर्माकॉल से जो रहता है ना वो पास नहीं होता, या फिर सामान। ईको वाली प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक वो रूम नहीं भर जाता है। तो मैं अभी एक वीडियो देखूँगी यहाँ से शूट करके हॉल से कि उसमें क्या स्टेटस है, उसके बाद बताती हूँ कि क्या। सो बस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा और काम देखने और उसके बाद मैं बताती हूँ। CFL होल्डर मिल गए हैं, CFL लेनी है, और 10 बज गए हैं, मैक्सिमम शॉप्स बंद हो गई हैं और CFL के होल्डर चाहिए, तो जिनके पास CFL उनके पास CFL के होल्डर नहीं है। बिकॉज ये डबल हेडेड लाइट है जो जहाँ पर मैंने ऑरेंज लाइट लगाई थी उसके लिए है। ओके चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे को भूख लगी है, और वो फिर यहाँ पे भी कुछ ख़त्म हो जाए तो खाने को नहीं मिलेगा। जस्ट अभी डिनर किया है क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और घर जाने के बनाने का कोई सवाल नहीं था। यस वो थी वेज बिरयानी और चूर चूर आलू नान और पराठे वाली पराठे वाली दिल्ली की पराठे वाली। यस
दिल्ली की पराठे वाली गली, दिल्ली पराठे वाली गली की पराठा, सॉरी नहीं गली नहीं कुछ था आपका, गली पराठे वाली। तो वो खाया, उसके यहाँ जो मखनी दाल मिलती है वो बहुत अमेजिंग मिलती है पराठों के साथ। छोले भी मिलते हैं बट छोले उतने अच्छे नहीं मिलते जितने अच्छी मखनी दाल मिलते हैं। एम टी आर वाली पागल हो क्या? इतना महंगा पड़े उस एम टी आर की मखनी दाल वो डाल डाल के देते। तो हाफ डन है काम। कौन कौन को पराठे होल्डर लाइट्स नहीं आई हैं, कौन कौन को उसे लगाने के लिए अटैचमेंट मिल गई है, वरना आप पूरी लाइट वो करते। क्या बोले तुम? कौन कौन को पराठे वाली गली के पराठे पसंद है? कौन कौन को पराठे वाली गली के पराठे पसंद है? देखो ये देखो यहाँ से ले ले सेब। उसकी दुकान सी एफ एल की नहीं है, मैकेनिक है वो, और क्या सी एफ एल लटकी हुई है। अब क्या जाकर है पसंद तो कौन से पराठे खाते हैं वहाँ जाके? मैं तो आलू नान या चिली पनीर पराठा। मैंने अचार का वाला पराठा मुझे अच्छा लगता है, अचार के मसाले वाला पराठा, अचारी। और घर में ही बनता है वो आम का अचार। पराठा कौन कौन खाता है? करेले के चिप्स तो तुम खाते हो, करेले के चिप्स बहुत अच्छे आते हैं, तो करेले के चिप्स खाते हैं। तो मेरी जो बैटरी कभी मर सकती है, बैटरी मर सकती है, मैं आपसे कभी भी मिल सकती हूँ घर जाके। मैं पता नहीं क्या बोल रही, पता है हम लोग को 3-4 घंटे हो गए हैं और पर्पस वहीं सॉल्व हुआ जहाँ हम पहले गए थे, मतलब पहले जाके आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने दुकान छान मारी, वहाँ पे हमें ये नहीं मालूम था कि हम उसके लिए लाइट ढूंढ रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि हम उसके ऊपर होल्डर लगा सकते हैं, वरना मुझे लगा कि मेरी जो पूरी लाइट है वो वेस्टेज में जाने वाली है, मतलब सिर्फ फ़ोटो खींचने तक के लिए सही है, वरना फिर वीडियो येलो आने वाली है। बट अब ये उसके लिए लेके आएंगे सी एफ एल्स बड़ी बड़ी कल विथ होल्डर, क्योंकि सी एफ एल तो मिल रही थी, होल्डर नहीं मिल रहे थे। तो मैं तो चिट-चैट कर रही हूँ कि मेरी बैटरी मरने वाली है कभी। जैसे मैं गायब हुई मतलब मेरी बैटरी मर गई है। गायब हुई? यस 3% बची थी। और पिक्चर की तुम तुषार कपूर हो गायब हो जाओगी। सो स्टैंड इन अगर तुम अनिल कपूर हो गायब हो जाओगी। यार पिक्चर कितनी गंदी थी ना, गायब काय गंदी थी यार, इतनी अच्छी पिक्चर थी, मस्त पैसे चुराता वो बैंक लूटता पागल। ओ शिट बोल दो दोस्त, बट वो कोई सेंसिबल पिक्चर नहीं थी ना। अच्छा फिक्शंस तो रहते हैं सारे पिक्चरों में, सेंस नहीं ढूंढनी चाहिए। यू नो मैं तो डर गई कि मेरे फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो गया, बस वो 3 लाइटें आई थी अभी जो कि और मेरे यहाँ पे चोट लग गई है, पता नहीं कैसे मेरा यहाँ पे कट गया है। नाखून मार रही हूँ राजा, नाखून ही का निशान है वो, लंबा कटा है इतना खून आ रहा है। अरे 1 लीटर निकल चुका, मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा 1 लीटर खून निकल गया। तो मैं तो बता रही हूँ आजकल मुझे राजा कुछ हो गया है यार। ओह शिट बिल्ली, आजकल तो मुझे कुछ हो गया है आजकल, मैं बता रही हूँ आपको। अगर मैं थोड़ी सी अपसेट होती है, जैसे कल मैं अपसेट हुई थी कॉपी राइट वाले इशू पे, और अभी जब लाइट वाइट कुछ नहीं मिल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रो लूँ बस, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे को रोना आता नहीं है। मेरे को अभी 2-4 दिन से इतना रोना टाइप का आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों पर रोना आ रहा है, रोतड़ी बनती रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मतलब मुझे रोना आ रहा है बस, बस रोने वाली होती हूँ और इतनी देर में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाय, एक काम करो ना। यस, BMW की टॉप सीरीज आई है, उसके लिए रन लगो, हो सकता है थोड़े दिन में आ जाए। पता है कुछ सोच के रहोगे किसी चीज़ के लिए तो वो नहीं आएगी, मतलब कुछ उल्टा बोलते तो वो होता ही क्या हो गया इनके यहाँ पे। देखो कैसे ऊपर खड़े, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या बारिश आ रही है इसलिए कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो वो बता रहा है मेरे को म्यूट करना चाहिए। सो बारिश बहुत तेज आ रही है, राजा सो गया है अभी और वो उठेगा। मेरे को राजा को लगाना है ऑयल, और मैं सरसों के तेल में नींबू डाल के लगाऊंगी बालों में, तो उससे बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं सरसों का तेल थोड़ा गर्म करूंगी, और मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मतलब मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बना लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, और बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, और मेरे को खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, और आज कुछ भी मीठा नहीं है घर में, और हम लाना ही भूल गए क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गए थे। मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैं जल्दी से थोड़े से बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ, जल्दी जल्दी से थोड़े से, आई थिंक मेरे पास बेसन भी ज़्यादा नहीं है इसलिए।
मेरा जो बेसन है वो भुन गया है और मैंने इसे प्लेट में इसलिए रखा है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अगर आप इसे कढ़ाई पे छोड़ देते तो क्या होता, आपको चलाना पड़ता क्योंकि कढ़ाई का फिर भी जो निचला भाग रहता है वो गर्म रहता है और वो एक तरह का रिस्क है, आप पता चला कढ़ाई पे छोड़ के चलेगा और वो जो नीचे से जल जाए, वैसे गैस बंद करने के बाद भी जल सकता है, मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और साथ में अभी मैं फ़ैन चला दूँगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे फैला दिया है। हाँ, ये इसे मैंने फैला दिया है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैं जाके जल्दी से शक्कर पीसती हूँ यानी चीनी पीसती हूँ, उसके बाद जब भी ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे मिला दूँगी। मैंने फाइनली बेसन के लड्डू बना लिए हैं जो भी थोड़े से चपटे लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि भी थोड़े गर्म है, मुझे इसे फिर से शेप देनी पड़ेगी। मतलब मुझे जो खाना था वो बन गया है और मैं अब इसे खाने वाली हूँ। कि जिसको बेसन के लड्डू पसंद है वो इस वीडियो को पक्का लाइक करिए, मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं, आई जस्ट लव बेसन के लड्डू। बट घर वाले बेसन के लड्डू, बाहर वाले जो बेसन के लड्डू आते हैं ना वो थोड़े दरदरे आते हैं ना, मोटे मोटे से आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे घर के पसंद है देसी घी वाले। और किस किस को पसंद है इस वीडियो को, जो जो बेसन के लड्डू से प्यार करता होगा ना वो ज़रूर 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 इस वीडियो को लाइक करेगा। और बेसन के लड्डू के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब अभी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे खाना था, ये किसी भी पेस्ट्री किसी भी केक को फेल कर देते हैं मेरे लिए। आई जस्ट लव इट, लव इट। मेरे पास वर्ड्स नहीं है मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, इतने अच्छे हैं। किसी को रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग शो में जाके ज़रूर चेक करिएगा, बेसन के लड्डू की रेसिपी शुद्ध देसी घी में बनाइए। जब भी मीठा खाने का मन हो वो खाइए, इन्जॉय करिए। और फाइनली जो मेरा सामान था वो सब मिल गया है। और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, अब मेरे को नींद अच्छी आई, मुझे एक बेसन लड्डू चाहिए था, एक ही खाया है मैंने, प्लीज़ एक ही खाइएगा खाना भी हो। ये मैं स्टोर करके रख रही हूँ, ये कल वल काम आएंगे। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ कल, और प्लीज़ मुझे बेसन के लड्डू के लिए सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा खाइए, खुश रहिए, जब भूख लगे तब बनाइए, तब तक के लिए बाय।